हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वित्तीय लाभों की 8वीं किस्त जारी करेंगे। वह सुबह 11 बजे किसानों को मिलने वाला लाभ जारी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आज 9.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। बता दें कि पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद देश के करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म हो जाएगा, जिसके बाद अब जल्द ही उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त के पैसे आ जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस अवसर पर अपने किसान भाई बहनों के साथ संवाद भी करूंगा। पीएमओ के बयान में यह भी कहा गया कि इस दौरान 9.5 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खातों में 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत कुछ अपवादों को छोड़कर जोत वाले किसान परिवारों की आय में 6,000 रुपये की सालाना सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत हर 4 महीने पर 2,000 रुपये की 3 किस्तें प्रदान की जाती हैं। यह धनराशि डीबीटी माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा कराई जाती है। अब तक इस योजना के तहत 1.15 लाख करोड़ रुपये किसान परिवारों के खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।